फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेवल एक अधिज्ञान अकेडमी में। और आज का हमारा टॉपिक है कि हम ब्लड ग्रुप लैब में कैसे टेस्ट करेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। जब हम अपने लैबोरेटरी में ब्लड ग्रुप का टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने से पहले हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि निडिल, कॉटन और स्पिरिट और तीन प्रकार के एंटीजन लेंगे हम, और एक ग्लास रोड लेंगे रेक्टेंगुलर छोटी स्मॉल, और अब हम एक कांच की स्लाइड लेंगे, छोटी स्मॉल कांच की स्लाइड लेंगे जो हमने अपना स्पिरिट, और सबसे पहले हम कॉटन लेंगे और स्पिरिट में उसे डालकर अपनी उंगली को रब कर लेंगे ताकि जो हमारी उंगलियों पर बैक्टीरिया पार्टिकल है वो क्लीन हो जाए, और फिर निडिल से उसे आराम से अपनी उंगली के अंदर घुसाएंगे ताकि कि हमारी उंगली से ब्लड, थोड़ा सा ब्लड निकल जाए, और थ्री ड्रॉप्स ब्लड की हम इस ग्लास स्लाइड पर डाल देंगे। उसके बाद जो हम तीन एंटीजन लेंगे, एंटीजन ए, एंटीजन बी और आरएच, इसे आरएच को हम एंटीजन सी भी कह सकते हैं, डी भी कह सकते हैं और एंटीजन ओ भी कह सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसे आरएच ले रहे हैं क्योंकि हमारी ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी शो करेगा। फ्रेंड्स, जो हमारा एंटीजन ए होगा वो ब्लू कलर का होगा, एंटीजन बी जो येलो कलर का होगा, और जो आर एच होगा हमारा वो व्हाइट कलर का होगा। तो अब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एंटीजन ए फर्स्ट ड्रॉप पे डालेंगे, एंटीजन बी सेकंड ड्रॉप पे डालेंगे और आर एच थर्ड ड्रॉप पे डालेंगे। हर एक एंटीजन ए बस एक ही ड्रॉप पे डालेंगे, चाहे आप किसी भी प्रकार से कोई सी भी ड्रॉप कोई सी भी एंटीजन पे डाल सकते हैं। तो अब हम इसके फैक्टर्स देखेंगे। अब दो से तीन मिनट के बाद हम देखेंगे अगर जो हमारा एंटीजन ए हमने जिस पे डाला था, अब ये हमारे कांच की स्लाइड पे जो हमने अपने तीन ब्लड ग्रुप लिए थे उनमें से जो एंटीजन ए जिस पे डाला था, अगर जो मान लीजिए हमारा ये वाला ब्लड ग्रुप फट गया और ये बचे कुछ दोनों ब्लड ग्रुप सेम है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव होगा, ये कंडीशन है। अगर जो हमारा ए जो हमने इस पे डाला था, हमारा एंटीजन ए और आर एच वाला, ये दोनों फट गए तो हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा। अब उसके बाद अगर जो मान लीजिए हमारा एंटीजन बी जिस पे डाला था वो फट गया केवल, और दोनों ये एंटीजन ए और आर एच सेम है तो हमारा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव होगा, और अगर जो हमारा एंटीजन बी और आर एच दोनों एक साथ फटते हैं तो बी पॉजिटिव होगा। थर्ड कंडीशन में अगर जो हमारा एंटीजन ए और बी दोनों एक साथ फटते हैं तो ए बी नेगेटिव होगा, और अगर जो हमारे तीनों एंटीजन से एक साथ फटते हैं तो ए बी पॉजिटिव होगा। और फ्रेंड्स, अगर जो हमारा केवल आर एच फटता है और ए बी सेम है तो हमारा एंटीजन ओ पॉजिटिव होगा, और अगर जो ए बी और आर एच तीनों ही ए एंटीजन बी और आर एच तीनों ही सेम है, कोई सा भी नहीं फट पाया तो ओ नेगेटिव होगा, जो कि हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो ये बहुत ही रेयर कंडीशन में पाया जाता है वाला ब्लड ग्रुप। और फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से हम अपना ब्लड ग्रुप का टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो ब्लड ग्रुप टेस्ट जो हमने किया है, आज की वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है। और अगर जो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद में उसके साइड में जो बेल आइकन होगा उसे भी दबा दीजिएगा, जो हमारी अगली वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाएगी। और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। ओके, बाय।